नमस्कार नमस्कार जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम राम सभी भाइयों बहनों को कलोनी वासियों को 3 तारीख से 12 तारीख तक हमारा ये रामलीला का भव्य आयोजन होने वाला है। तो सभी से अनुरोध है कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पधारें और लीला का आनंद लें और प्रभु श्री राम का गुणगान करें। धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम कौन सा बोल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम तो आप धीरे धीरे आप उभर रही हैं तो अरे आवाज तुम्हारी तो लगता है अरे उनकी 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 आवाज बुलंद है तुम्हारी आवाज वैसे भी तेज है। अच्छा गाया अच्छा गाया अच्छा गाया आवाज ना आपकी क्लियर है शब्द शब्द क्लियर सुनाई देता है लेकिन सर भी आए ना एक आपके साथ है नमस्कार गुरु जी। गुरु जी आप बचपन से जुड़े हुए हैं रामलीला के मंच से तो थोड़ा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि रामलीला में आप इतने रचे बसे हुए हो बचपन से ही आप बता रहे हो कि मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा सा अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस बताइए जरा। मैं जब 5 साल की आयु का था तब मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ा था श्री रामलीला के स्टेज पे। आज मेरी आयु 72 साल हो चुकी है तो मुझे 67 साल लीला खेलते हुए उस प्रभु की कृपा से हो गए और मैं लीला के अंदर इतना रच बस जाता हूँ। आज मैं 20 साल से डायरेक्शन कर रहा हूँ उसी कृपा से और बच्चों को सिखा के अपना समय व्यतीत करता हूँ क्योंकि रामलीला इसलिए ज़रूरी है रामलीला का मंचन इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारी संस्कृति क्या थी। क्योंकि आजकल की पीढ़ी को आप अगर ये पूछोगे दशरथ कौन था तो वो नहीं बता पाएंगे दशरथ कौन था वो सिर्फ एक ही नाम जानते हैं राम। वो भी लोगों के मुंह से सुन के वो लोग राम बोलते हैं बाकी उन्हें ये पता नहीं है दशरथ कौन था जनक कौन था
होती है, सुनैना कौन थी, ये चीजें लुप्त होती जाती है। इसलिए इसको, इन्हीं चीजों को जीवित रखने के लिए हम लोग प्रभु राम की लीला का मंचन हर साल करते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इसमें जागरूक हो। सही बात है, ये तो सही कहा आपने, आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रामलीला हर साल होती रहे, बल्कि और ज्यादा मात्रा में होती रहे। जहाँ नहीं होती वहाँ भी होती रहे, सभी जगह होना चाहिए। हाँ। मैं भी यही मानती हूँ, होनी चाहिए। और आपका कुछ खट्टा मीठा एक्सपीरियंस इतने सालों में? अब इतने सालों में एक्सपीरियंस तो बहुत ही होंगे, अब मैं क्या बयां करूं। कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी थे, कुछ भले एक्सपीरियंस भी थे, उन सभी का समायोजन करके हम अपनी लीला को आगे बढ़ाते रहे और इतने साल हमने रामलीला करते हुए गुजारे। ये तो विनगर में पहली बार हो रही है, हम लोगों के लिए भी एक रोमांच वाली बात है, और आपका भी यहाँ पर पहला है साल, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, इसी किदवाई नगर में मैं 3 लीलाएं खेल चुका हूँ पहले, जब ये पुरानी कॉलोनी थी। अच्छा। हमारी इडवालसू की लीलाएं यहाँ थी, मैंने भी देखी है गुरुजी बचपन। हाँ। में मैंने भी देखी है। तो हमारे उमेश सिंह जी हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है ये। उस समय मैं राम का पाठ खेला करता था, और एक लीला सेवानगर में आदर्श लीला समिति होती थी, वहाँ भी मैंने सीता का पाठ खेला। तो ये काफी पुरानी यादें हैं जो मेरी स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं। तो अब मैं उन्हीं से प्रेरणा लेके आज बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा पाता हूँ। वही, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। उसका भी लो जरा। राजू, ये मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये मेरे साथ हमेशा से असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं, और ये पात्र भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं? हाँ। अच्छा, मैं 16 साल से जुड़ा हूँ गुरुजी के साथ, और ये खुशी खाई नहीं सीखा है। तो किस बारे में चर्चा चल रही है सवाल पूछिए। अच्छा। थोड़ा सा तेज आवाज में बोलना। हाँ। पीछे म्यूजिक भी बज रहा है ना। पूछो, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, किस तरह से आपने गुरुजी के मार्गदर्शन में काम किया? गुरुजी ने सबसे पहला रोल मेरे को सुमित्रा का दिया था 2006 में। बहुत अच्छा। उसके बाद अगले साल ही मैं सुमित्रा का, उसके बाद ही मैं अगले साल लक्ष्मण बन गया था। अच्छा। 5-6 साल लक्ष्मण का रोल दे रहा। अच्छा। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के चरणों में हूँ, डायरेक्टर बन गया। चलो, तरक्की कर ली आपने जल्दी। तरक्की, मेरे प्रमोशन जल्दी हो गया। तो इस बार आप क्या करने, क्या कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? इस बार गुरुजी ने भरत के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। वैसे मैं बोल रहा हूँ बच्चे खेले तो ठीक रहेगा, लेकिन गुरुजी कह रहे कि नहीं, पहली बार लीला हो रही है। हाँ। तो अगर रोल अच्छा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। भरत भी है, ऑलराउंडर है। देखते हैं, किदवई नगर में पहली बार रामलीला हो रही है और आपका भी ये पहला साल है, तो थोड़ा सा आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, हम तो राम जी के जुड़े रहते हैं, हम तो हर साल जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है आपका पहला अनुभव है। हमारा तो अनुभव वैसे पुराना है। हाँ। लेकिन ये जब किदवई नगर नया बना है तो इसमें पहली बार हो रही है, बहुत सालों के बाद हो रही है। अच्छा लग रहा है, प्रभु राम जी की बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, बहुत अच्छी लीला होगी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं वैसे तो रामलीला का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना, क्योंकि मैं जब करीबन छोटा सा था जब से ही कर रहा था, तो करीबन हुआ मेरा भी 10-15 सालों का एक्सपीरियंस है। बट अभी अभी हमारा था 10 साल से कुछ इसका लिंक कटा हुआ था, काफ़ी साल से नहीं हो पाया। तो अभी यहाँ पता लगा, फिर हम गुरुजी के पास आए तो बोले कि भाई नगर में हो रही है, तो फिर हमने भी इसमें भाग लेने की वो की। तो हमें बड़ा मतलब उत्साह होता है कि हमारे इसमें रामलीला, और बच्चों को जो आजकल के बच्चे हैं उनको नहीं मालूम होता कि कैसे, इसलिए हम उनकी बच्चों को प्रेरणा के लिए, भाई तुम आगे देखो हमारे ये सारे पात्र हैं, ऐसे ऐसे रोल हैं, हम ये रोल कर रहे हैं। और गुरुजी मिश्रा जी की हम चरमों उसमें शागिर्द में कोशिश कर रहे हैं, जितना अच्छा हो सके हम वो करेंगे। और मिश्रा जी बहुत अच्छे डायरेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो कितना मंजा कलाकार हो, उनके बताते नहीं ये चीज़ सही नहीं है तो नहीं। तो आगे भी है कि ये किदवई नगर बहुत अच्छी हो और आगे भी इनका आशीर्वाद अच्छा चलता रहे। मिश्रा जी के लिए हमारी उम्र क्या है?
46 साल है, तुमने 12 साल के बेटे को, 12 साल के लड़के को प्रणाम किया हुआ है। ठीक है, मैंने अपने से छोटे को पिताजी बोला है। ये सारी चीजें उस हवन में ना, हवन के बाद आप शुद्ध होते हो, तो भी किसी ने किसी को बोला हुआ है, वो सब उसके अंदर। यहाँ आपस में सभी भाई हैं, वो एक को पिताजी बोलता है, एक को चाचा बोलता है। तो ये सारी चीजें उस हवन में, तो जब कोई भी हो आप मन में तो रहता है झिझक, यार ये नहीं तो वो है, मैं इसको क्या बोलूँ, वो झिझक आप शुद्ध हो जाते। रामलीला का बड़ा विधान होता है, रामलीला ऐसे नहीं हुआ करती हो गए हमें। और अभी मैं बच्चों को समझाऊंगा, पहली तारीख को जब मैं मीटिंग दूंगा बच्चों के साथ, एक कोई भी बात मेकअप करके मेकअप लेकर साथ वहाँ से बाहर नहीं। 12 से 3 का टाइम हवाओं का होता है और जल्दी हवा का लटकी मेकअप है, मैं भुगता हुआ हूँ। आपका रूम खत्म होता है बिगड़ मेकअप से, कई लोग मेकअप नहीं उठा के जल्दी से घर में, वो कह रहा हूँ मैं। नहीं मेकअप यहाँ होगा तो गायब होगा मैं, क्योंकि इन चीज़ों में हवाएं, मैं चित्रकला पास करता ताजकोटोरा गार्डन में, तो मैंने नहीं उतारा, आ गया बच्चे थे हम, इतना नहीं था पता, साइकिल में आगे में बैठा हुआ था, पीछे वो चला रहा था। तिलक रोड का जो गोल चक्कर है वहाँ पे 20 चक्कर लगा लिए हमने, आना था एयरपोर्ट, जैसे ही मुड़ते थे वो पुलिस वाला जो खड़ा हो जाता था, फिर हम मुड़ते थे वो पुलिस वाला फिर खड़ा हो जाता, फिर हम चक्कर खा के गिर गए। झाड़ू पीने के हमने कहा गुरु जी हमारे तो उम्र ही 12-13 साल है, कहा झाड़ू पीने कल हमको क्या रहे थे, यही पुलिस वाला खड़ा काम को हमारे दूर चक्कर लग गया, चक्कर आ गया। फिर वो टुकड़े रोड में मंदिर है छोटा सा, उसमें पंडित जी आए, उन्होंने भगवंत लगाई, हम अपने घर पहुँचे। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एकदम से पकड़ती हैं मेरे कपड़े, वो क्या कहते हैं लापरवाही ना करते हुए जीवन भर का पंगा मत ले लेना, नहीं जीवन अपने खींचते ही फिरोगे फिर उसको। हाँ ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप अपना सब कुछ है अंदर, पानी होगा, साबुन होगा, उसको साफ करके बाहर निकल, क्योंकि वो टाइम ऐसा होगा 12 बजे का टाइम हो जाएगा, वो भूतकाल शुरू हो जाता है 12 से तीन। आप सिर्फ घर से साड़ी वाड़ी सब पहन के आओ, लेकिन पहन लिया नैथानी, यहाँ चित्रा में एज ए संगीतकार मुझे यहाँ इस बारी बुलाया गया है, और मेरी ये पूरी कोशिश है कि रामलीला में संगीत बहुत भरपूर भराव से मैं दूंगा। और मेरा निवेदन भी है, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाएगी, ये रिहर्सल हम हर दिन का देते हैं, आज ये 15वां दिन है, 15 दिन की रिहर्सल कल सुबह आपके पास आ जाएगी। और आपसे ये विनती है कि भगवान के प्रति आप श्रद्धा रखें, और भगवान श्री राम आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और जो ये प्रोड्यूसर हैं इस कार्यक्रम की, मैडम प्रभा कौर, ये बेचारी लगी रहती हैं, प्रोड्यूसर हैं अच्छे, अपने रामलीला को आइए उत्तराखंडी होने के नाते ये अच्छा प्रस्तुत करती हैं, इनका बहुत बहुत आवाज करते हैं हम लोग रामलीला समिति वाले, खासकर मैं नैथानी, और इनको करें कि इनकी ये काम बहुत आगे बढ़े, और ताकि इनके साथ हमें भी मौका मिले काम करने का, ये मेरा आपसे निवेदन है। और सभी कलाकारों और सभी यहाँ के मेंबरों से मेरा निवेदन है कि उनको अच्छे भगवान सद्बुद्धि दे, और अच्छा इस मंच में वो अभिनय करें। धन्यवाद। और कौशल्या के रोल कौन? मैं ये प्रभा जी। कौशल्या का? ये तो स्टेज में कभी आई नहीं। नहीं क्या, अब आऊंगी, अब आऊंगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, बोलो सर। आज के जो हमारे जो सौजन्य रामलीला का जो हमारे प्रसिद्ध जो निर्देशक है मिश्रा जी, मिश्रा जी ने लगभग, हमें लगता है कि
ये 50 हाफ सेंचुरी इसमें मान ली है और इनके हाथों से निकले हुए कलाकार अच्छे अच्छे रंगमंच पे इस समय अभिनय कर रहे हैं और इनका ये प्रयास रहता है कि जो जिनको भी मैं सिखाऊं वो मेहनत करें और आगे बढ़े और हमारी सबकी शुभकामनाएं हर एक कलाकार के साथ रहती है और रहेगी भी। इसी इन शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विश्राम देता हूँ। आप सभी को राम राम, जय श्री राम। कितने साल से बजा रहे हो आप ये हारमोनियम? जी मैं तो मेरे ख्याल 14 साल से मैं ऑर्केस्ट्रा में था, किशोर कुमारी गाने गाया करता था प्रेम भाटी एंड में, और उसके बाद भागरथी कला संगम में कुमाऊनिया गढ़वाली हमने बनाई रात मिलन, उसमें ये काला लीली बकरी, पारे बीड़े की बसंती छोरी, और आज काल हैरे जवाना मेरी नोनी पराना, और बेड़ू पागो बारह मास, इन जैसे गांव ग्रुप डांसों में हमने काम करवाया, बड़े बड़े अभिनय उन्होंने किए और इसी उम्मीद के साथ कि आगे भी हम जुड़ेंगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम किसी चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय श्री राम। आज तो भाटी भी आई है, मंत्री जी, आज के युद्ध में किसकी विजय हुई? क्या कहा? बेटा इंद्रजीत मारा गया, तो समस्त योद्धा सेना, समस्त सेना हाथी घोड़े भाई तथा पुत्र इनके पराक्रम से सारा संसार भय खाता था। कुंभकर्ण जैसा बलवान भाई, जैसे वीर पुत्र का शोक मुझे बेचैन किए जा रहा है। सारी लंका में शोक का साम्राज्य छा रहा है। कोई अभागन अपने पुत्र को, कोई पति को, कोई पति को, और कोई अपने परिवार के सदस्यों के लिए रो रहा है। यदि जो परिणाम मेरे हित में होता तो मुझे कदापि दुख ना होता। जहाँ भी गई दुष्ट सीता, जहाँ भी गई इसने किसी को चैन से नहीं जीने दिया। जब पिता के घर में रही तो उस पर अनेकों आपत्ति रही। अयोध्या में आई, जब अयोध्या में आई तो पति को घर से निकाल दिया और दर्दर की ठोकरें खिलाई। और जब लंका में आई तब से सीता लंका में आई, लंका की ईंट से ईंट बजा के रखी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ताली मारो भाई, जब फोन सुनी नहीं आई और ताली मारते हो नहीं यदि आप मेरा कहना माने तो मैं प्रिय बोलो, संभव है तुम्हारी राय से, संभव है कि तुम्हारी राय से कुछ लाभ ही हो जाए। स्वामी यदि आप मेरा कहना माने तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी, तो मैं आपसे यही प्रार्थना, आप उसके पति को सौंप कर अंतोदरी बोदरी, यह कहने से तो अच्छा था कि तुम मौन ही रहती। मुझे धैर्य देने के बजाय मेरे कटे हुए घाव पर नमक छिड़क रही हो।
प्रतिज्ञा करता हूँ राम और लक्ष्मण की भी, ओमकरण और मेघनाथ जैसी रचा करूंगा। उसी समय मेरे मन को मिलेगी। समझाना है, क्रिया चरित्र है ये, कैसे तुम अपने पति को समझा सकते। ये तो आपका विचार है, यदि कोई नई और बुरी दृष्टि से देखेगा दूर दूर से बोल दिया चली जा। मुझे तेरे उपदेशों की आवश्यकता नहीं। मुझे तेरे उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं। आपको पूर्ण अधिकार है। आपको पूर्ण अधिकार। दंड दीजिए। दंड दीजिए। मुझे स्वीकार है। मुझे स्वीकार है। सामने कुर्सी पर प्रतीक्षा कर रही है बैठ। बहुत बढ़िया बोल रहा है आप। तड़के हैं यार, ये लगाने पड़ते हैं। जरा खड़ा होने जी। कहाँ गौड़ जी? गौड़ जी गायब हो गए। जब उनका पाठा था गायब हो जाते हैं। वैसे आगे आगे चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। अरे थोड़ी देर में कोई चला जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात जामन जी। पवन तने अंजनी लाल। पवन तने अंजनी लाल।
अपनी निद्रा को त्यागो, संपूर्ण शक्ति के साथ हे राज दुलारे जागो। पूरा को तुमने ग्रास किया, शहरों को तुमने तोड़ा है, शहरों को तुमने तोड़ा है, जिस पल पर इतने कार्य किए, गोरख छोड़ा है, मैं पल को रख छोड़ा है, सभी से बोलना है, वानरों करो प्रतीक्षा, वानरों करो प्रतीक्षा, राम बाण बन जाऊंगा मैं। वीर वानरों करो प्रतीक्षा, वीर वानरों करो प्रतीक्षा, राम बाण बन जाऊंगा मैं। जगदम्बा का समाचार, जगदम्बा का समाचार वायु वेग से लाऊंगा मैं। जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना तुम, श्री राम नाम का तप कर आशीष मुझे देते रहना तुम। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा तन में, अवश्य ही कार्य पूर्ण होगा, कहता दो ये मन में है। है रीचराज, जब तक मैं लौट ना आ जाऊं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं पर करना। जाइए हनुमान जी, आपका कार्य मंगल मैं हूँ। इसी प्रकार बातें ही बनाएगा या बाहर भी आएगा। गया नाम शायद तू पाली का भूल। मेरे सामने आया। ओ नामकूल। जरा सामने आ ना, तू शेखी जता। मैं बताऊं तुझे वीरता का बता। बताऊं मैं तुझे वीरता का बता। चला
जा ना बकवास कर, चला जा चला जा ना बकवास कर, मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। अरे भाड़ में तू, अरे भाड़ में गया तू और तेरा मर्तबा, बड़े भाड़ में तू, बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, और तेरा मर्तबा। अभी लूंगा मैं तेरी हड्डियां चबा, अभी जाऊंगा मैं तेरी हड्डियां चबा, अभी लूंगा मैं तेरी हड्डियां चबा। अगर जान है तुझको अपनी अजीज, अगर जान है तुझको अपनी अजीज, ओ चला जा यहाँ से, अभी बदतमीज, अरे ओ चला जा यहाँ से बदतमीज, यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, ये मारूंगा तुझे, मारूंगा या खुद मर जाऊंगा, या खुद मर जाऊंगा। समाया है सर पे क्या फितूर, समाया है सर पे तेरे क्या फितूर, रखो जान अपनी अरे ओ बेसहूर, रखो जान अपनी अरे ओ बेहसूर, बेसहूर है। आप किस तरफ आते हो? सबसे पहले ना, सबसे पहले रखना, फिर सबसे पहले जब डायलॉग बोल रहे होता ना तो वो खड़े होके बोलते, ठीक है चलते हैं मेरे पास आओ, आएगा खड़े होके बोलना है, ठीक है ना, चलते हैं। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया हूँ, मजबूर होकर भुजंग आ गया, मजबूर होकर भुजंग आ गया हूँ, बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा कर्म, किया था मेरे साथ कैसा कर्म, जो मैंने किया वो मेरे आगे आएगा, जो मैंने किया वो मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है आज तेरी खाल खुजा रही है, ना मालूम मेरी खाल खुजा रही है, ना मालूम मेरी खाल खुजा रही है, तेरी मौत तुझे बुला रही है, या तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे ओ पापी, अरे ओ पापी, इस तरह से बाज नहीं आएगा, तू इस तरह से बाज नहीं आएगा, सावधान हो जा, सावधान हो जा, तू ही मरने के लिए तैयार हो जा, तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। कभी तो आता है एक बार तोड़ लिया, मैं गया तुम्हारे कहने पर।
तुम्हारे कहने पर पिटता था और लड़ता था। आप खड़े खड़े देखते रहे भगवान, आप खड़े खड़े देखते रहे भगवान, मैं मुक्को पे मुक्का नाम से करोगे तो मैं ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन मिलते हैं तो मिलने दिखने पर भी बार बार मैं भी करूँ ना तब दोनों को वहाँ पर बाहर चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप हो, अच्छा मेरा हार पहन जाओ, इससे मुझे पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, तुम पर कवच समान उसे मृत्यु का। अच्छा भगवान, अच्छा भगवान, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, सच्चे बोलो। अच्छा भगवान, अच्छा भगवान, जैसी आपकी इच्छा, इस बार भी देखते मत रह जाना भगवान, इस बार भी देखते मत रह जाना भगवान, नहीं तो मेरा जीवित रहना ही असंभव हो जाएगा, नहीं तो मेरा जीवित रहना ही असंभव हो जाएगा। तुम जाओ और सुग्रीव और उससे युद्ध करो, जो आज्ञा हो। भाई सरदार भाई और नारा जाने दे मुझे।
अरे ओ बाली बाहर आ, अरे ओ बाली बाहर आ। क्या स्त्री के आंचल में मुंह छुपाए रहेगा? क्या स्त्री के आंचल में मुंह छुपाए रहेगा? बाली अरे ओ नीच, अरे ओ नीच, निर्लज निर्लज पापी पापी चंडाल चंडाल, आज फिर तेरी खाल खुजा रही है, आज फिर तेरी खाल खुजा रही है। आज ये झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते, आज है झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते, गैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते, गैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। काल का ग्रास है पापी, काल का ग्रास है पापी, नरक का ईंधन है तू, नरक का ईंधन है तू, मौत का खाजा है सुन ले, मौत का खाजा है सुन ले, चीरों का भोजन है तू, चीरों का भोजन है तू, सदा घात से तोड़ दू, सदा घात से तोड़ दू, अंग अंग संपूर्ण, अंग अंग संपूर्ण, पदाघात से दुष्ट का, पदाघात से दुष्ट का मस्तक कर दू चू, मस्तक कर दू चू। किसके भरोसे तू आया, किसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को, मुझे नीचा दिखाने को, तेरा ही पाप काफी है, तेरा ही पाप काफी है, तेरी हस्ती मिटाने को, तेरी हस्ती मिटाने को, चिंतन करो संभल जा आज तेरे सिर पे, संभल जा आज तेरे सिर पे, तेरी शमशीर चमकेगी, तेरी शमशीर, मेरी शमशीर चमकेगी, नहीं शमशीर चमकेगी, नहीं शमशीर चमकेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी। एक जगह पूरा करो, फिर चेंज करो, ठीक है। भूत लातों के बातों से नहीं माना करते हैं, भूत लातों के बातों से नहीं माना करते हैं, यार डंडे के नरमी को नहीं जाना करते हैं, यहाँ डंडे के यार डंडे का कहते हो ना तुम, ऐसे नहीं मानेगा यार, ये तो डंडे का यार है, इसके लटमार सब जाएगा, ये ऐसे बोलते हैं। बोलो जोश में बोलो, भूत लातों के बातों से नहीं माना करते हैं, भूत लातों के बातों से नहीं माना करते हैं, यार डंडे के चार डंडे के नरमी को नहीं जाना करते, नरमी को नहीं जाना करते हैं। शुक्रिया। अब चेंज किया करो, दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, कुछ जैसे बेअकल, कुछ जैसे बेअकल अपनों को बनाते हैं बेगाना, अपनों को बनाते हैं बेगाना, जल्दी चेंज किया करो। बाली अरे ओ पापी सावधान हो जा, अरे ओ पापी सावधान हो जा, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। Thank you.
लेट ही रहना भाई, अभी खड़े हो जाओ, यहाँ मरना नहीं है आपको, आपको मरने में बहुत टाइम है। लाएगा उसे दास प्रभु, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बदलाओ उसका रंग रूप, किस भांति हाथ आएगी। रघु राय अगर साए है, दो दिन से पहले आएगी। देख लिया किंतु कहीं भी वैसी बूटी नहीं मिली जैसी वैद्य जी ने बताई थी। वह सामने क्या चमक रहा है, उसी ओर चलना चाहिए। जहाँ तो मानो सैकड़ों दीपक जल रहे हों, तो अवश्य यही वह बूटी होगी। किंतु वैद्य जी से यह पूछना तो मैं भूल ही गया, बूटी के फल चाहिए या पत्ते, फूल चाहिए अथवा जड़। खैर, अब विलंब करना उचित नहीं, मैं इस पर्वत को ही उठा ले चलता हूँ। जिस भाग की उन्हें आवश्यकता होगी वह स्वयं ही ले लेंगे। ऐ जड़ी बूटी के देवताओं, केसरी नंदन आपको नमन करता है। ऐ सूर्य ध्यान रहे इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना जब तक, तब तक ना जड़ी पहुंच जाऊं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट दिशा मिटाऊं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चय ही अंधकार होगा। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी पुत्र से पाला है, बचपन से जान रहे हो हनुमत कितना बल पाला है। अयोध्या नगरी के ऊपर गिरा दिया तो बड़ी जनहानि होगी। यह संभव है यह श्री रामचंद्र जी का कोई शत्रु
और इस पर्वत के द्वारा उन पर आक्रमण करना चाह रहा हूँ, उन पर आक्रमण करना चाह रहा हूँ। इसलिए इसलिए इसे यहीं पर रोकना चाहिए, इसे यहीं पर ही रोकना होगा। भारत का बाढ़ छोड़ना हनुमान का राघव, ए राम, ए राघव, ए राम, ये मेरे भाई राम की भूमि कौन है? किसे मेरे पांड ने दुख दिया? किसे मेरे पांड ने दुख दिया? ए राघव, यह तो कोई प्रभु का प्यारा है। ओहो, यह तो कोई प्रभु का प्यारा है। उससे बड़ी भूल हो गई, उससे बड़ी भूल हो गई। अच्छा, यदि मैंने मन 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 वचन वचन और कर्म से और कर्म से राम की पूजा की हो, भगवान राम की पूजा की हो, तो यह प्राणी अभी उठ जाए, तो यह प्राणी अभी उठ जाए। हे भी उठो, हे महात्मा उठो, हे महात्मा उठो, इस महामंत्र की महाध्वनि लगाई है किसने? लगाई है किसने? मेरी रग रग में, नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? इसने यह नाम पुकारा है, मैं सचमुच उनके प्यारों में, बस इतना इस पुकार में है, बस इतना इस पुकार में है। जो नहीं हजार पुकारों, बोल 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 है बोलने वाले, बोल बोल है बोलने वाले, वही बोल तू बोल, वही बोल तू बोल, अपने मीठे बोलों से, अपने मीठे बोलों से भर दे मेरे हृदय का लोल, भर दे मेरे हृदय का लोल। हे महात्मा उठो, हे महात्मा उठो, हनुमान जी का जय श्री राम, जय श्री राम। भरत जी खड़े हैं, स्वामी, ए स्वामी, मैं श्री राम प्रभु का एक तुच्छ सेवक, नमस्कार हो रही है, और मेरा नाम हनुमान है। जानकी जी को रावण ने हर लिया है, अब लंका में राक्षसों से युद्ध चल रहा है, रण क्षेत्र में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। मुझे यह बूटी लेकर आज रात्रि में ही वहां पहुंचना है, अन्यथा उनके प्राण बचना संभव नहीं। इसलिए भगवान अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है, मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है, आप इस पर बैठ जाइए, आप इस पर बैठ जाइए, मैं रात्रि में ही आप, मैं आपको रात्रि में ही वहां पहुंचा दूंगा। हे नाथ, आपके प्रताप और श्री राम प्रभु की कृपा से मैं बाण की ही गति से जाऊंगा। फिर भी मार्ग में यदि कोई शंका हो, फिर भी मार्ग में यदि कोई शंका हो तो मुझे बताइए, मुझे बताइए, मैं आपका मार्ग साफ किए देता हूँ, तो मैं आपका मार्ग साफ किए देता हूँ। हनुमान, भगवान यूँ तो सब ठीक है, भगवान यूँ तो सब ठीक है, लेकिन लंका का उत्तरी द्वार अभी तक हमसे नहीं टूटा। यदि हो सके कृपया आप वह द्वार तोड़ दीजिए। अच्छा भगवान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान प्रणाम, जय श्री राम। ऐसा है, दिन पात्र परिचय हुआ था, उस दिन हमारे कुछ लोग यहाँ थे नहीं, तो मैं आपके सामने उनका परिचय कराऊंगा। कभी गौर की ये रवि गौड़, इनका नाम है, नामकरण से ये इनका नाम है। ये आपके सामने
विश्वामित्र और जटायु जामवन और अन्य साधु संतों के रूप में ये आपका क्या करेंगे, क्या करेंगे, ज्ञान वर्धन करेंगे, आपका ज्ञान वर्धन करेंगे। इनके लिए एक बार आपके सामने कौशल्या का रोल करेंगी और आप सबको कैद करेंगे, इनका यही प्रमुख कार्य है। आप सबसे बड़ी पात्र का परिचय कराने जिसने लीलाई पलट के रख दी थी, आकांक्षा कैसे गिरा यहाँ पे आते ठुमकते वहाँ तो ठुमके गए। इनका नाम श्रीमती आकांक्षा है। ये आपके सामने सूर्पणखा और तारा दो रोल प्रस्तुत करके आपका ज्ञान बन जोरदार कार्य। चौथा श्री राजू ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, हमेशा रहते हैं। आज 16 साल और कोई बच्चे ही नहीं। बाकी आप दो शब्द कहना चाहें आशीर्वाद देता रहे और प्यार से आगे भाई आ जाओ।
अग्नि साथ दे सागर की गंभीरता, सागर की गंभीरता और पवन की चाल, सब मेरे अधीन, यह सब मेरे अधीन है। ब्रह्मा का ज्ञान, ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप, शंकर का तप, विष्णु का वैभव, विष्णु का वैभव, सब मेरे आगे शक्ति, सब मेरे आगे शक्तिहीन है। मैं चाहूँ, यदि मैं चाहूँ, तीनों लोकों का अहंकार मिटा दूँ, तीनों लोकों का अहंकार मिटा दूँ, दिशाओं को बदल कर, दिशाओं को बदल कर, इकबालों की जड़ें हिला दूँ, इकबालों की जड़ें हिला दूँ। हाथ है महाराज, बोलो यथार्थ है महाराज। आगे आगे बोलो यार, तुम अपनी यथार्थ है महाराज, यथार्थ है महाराज। बालपाल महाराज, जय शंकर की, जय शंकर की महाराज। महाराज महाराज, मानव सेना समुद्र पार आ चुकी है, समुद्र पार आ चुकी है। रावण हे राक्षस वीरो, राक्षस वीरो, के साथ युद्ध कैसे करना है, शत्रु के साथ युद्ध कैसे करना है, और किस प्रकार से करना है, और किस प्रकार से करना है। महाराज आप काहे की चिंता करते हैं, महाराज आप काहे की चिंता करते हैं, ऐसे जंतु ऐसे तो हमारे राक्षस, हमारे राक्षस रोज अपना पेट भरते हैं, रोज अपना पेट भरते हैं। कहो भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? सर बोलो, भैया तुम पंडित हो, भैया तुम पंडित हो, पर शासक हो, शासक हो, राजाओं के राजा हो, राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही, शोभायमान है तुम्हें वही, जो नीच धर्म मर्यादा हो, जो नीच धर्म मर्यादा हो, खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है, खुद ही बैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, खुद ही भारत को छेड़ा है, श्रोता सिंह जगाया है, वो श्रोता सिंह जगाया है, उनसे नहीं कार से ही, उनसे नहीं उनसे नहीं काल से, इस समय जूझते हो भाई, इस समय जूझते हो भाई, पहले तो पूछे ज्वाला में, पहले तो पूछे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई, अब राय पूछते हो भाई, जिस बात संधि हो, जिस बात संधि हो, शीघ्र करो, शीघ्र करो, मेरे कहने पर है भाई, मेरे कहने पर है भाई, जड़ से ही झगड़ा निपटा दो, जड़ से ही झगड़ा निपटा दो, देकर उनको सीता माई, देकर उनकी भीषण, मैरी के आगे झुक जाए, मैरी के आगे झुक जाए, रावण का यह व्यवहार नहीं, रावण का यह व्यवहार नहीं, मर जाऊं मगर हार मान के, मर जाऊं मगर हार जमान के, सीता देना स्वीकार, सीता देना स्वीकार नहीं, घरवाला होकर ही घरवाला होकर ही, घर की मर्यादा मिटा रहा है, घर की मर्यादा मिटा रहा है, इस राज छत्र सिंहासन को, इस राज छत्र सिंहासन को मिट्टी में, जो मिट्टी में मिला रहा है, कुलद्रोही, ओ कुलद्रोही, कायर कायर, कुबुद्धि कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से, जा ओझल हो मेरी आंखों से, जाके नीति सुना, जा उनको जाकर नीति सुना, जा मिल जा तपस्वी, जा मिल जा उन तपस्वी बच्चों से, लात मार कर अरे मूर्ख जा, अरे मूर्ख जा, अब अपना मुख मुझे करा भी मत दिखाना, होनी सर पर आती है, जब होनी सर पर आती है, तो मति ओंधी हो जाती है, तो मति ओंधी हो जाती है, तुम कंकरों में भटको भैया, मैंने तो पाया मोती है, अपराध क्षमा करना उसके, जो होकर आज कठोर चला, लंका तुम पर बलिहारी हो, मैं तो श्री रामचरण की ओर चला, दादाजी,
दाता जी। आप जिन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, आप जिन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, समस्त चराचर के स्वामी हैं, वे समस्त चराचर के स्वामी हैं। उनसे बैर बढ़ाकर आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे, आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। लगता है तूने हमारे शत्रुओं से मित्रता कर ली, हमारे भेद भी और अवश्य ही तू हमारे भेद भी शत्रुओं को बताता होगा। मेरी समझ में अब आया। मेरी समझ में अब आया हनुमान का वध क्यों नहीं, तूने उस दिन हनुमान का वध क्यों नहीं करने दिया, साफ बचा और उसे साफ यहाँ से भगा दिया। और यदि सभा में कोई भी उनके विरुद्ध बोलता है तो उसे तू बोलने नहीं देता। मुझसे शत्रुता क्या है विभीषण? आखिर तेरी मुझसे शत्रुता क्या है? दाता जी आपके विचार सत्य नहीं, आपके विचार सत्य नहीं है। मैं उनका पक्ष लेता हूँ। मैं ही आपकी बुराई चाहता हूँ। परंतु मैं आने वाले संकट को देख के डरता हूँ। दाता जी ये आपके सारे सभासद आपको मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। अरे ओ निर्लज्ज, तू इसी क्षण यहाँ से चला जा, क्योंकि अब मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अच्छा तो यही था तू पैदा होते ही मर जाता, ताकि हमारे इस कुल पर कलंक ना लगता। मैं तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि तू मेरा सहोदर भाई है। जा है। जिनके तू गुण गा रहा है उन्हीं के पास चला जा। अब इस लंका में पैर रखने की कोशिश कदापि मत करना। मेरी सेवाओं का यही परिणाम निकलना था। अच्छा भ्राता जी आपका भी कोई दोष नहीं। ईश्वर को यही मंजूर था। अभी आपने कुछ सुना सब यहाँ पे कि रावण ने विभीषण से क्या कहा? राजू सुनो क्या कहा अभी रावण ने विभीषण से, कोई बता सकता है? घर का भेड़ी लंका ढाए, बोला होगा। तुम राम जी के पास चले जाओ, घर का भेड़ी लंका ढाए। उनके गुणगान गाते, उन्हीं के पास चले जाओ। इनकी और इनकी उम्र में कितना फर्क दिखा देता आप लोग बहुत है ना। इन्होंने क्या बोला, इनको लात मार दी, गाली दे दी, बुरा भला बोल दिया, ये सब उस हवन में होता खत्म। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, हवन मिस मत करना। कोई ये सारी चीजें वहाँ हो जाती है। तुम्हारी गुलारी सुनता खड़ी हो जाए तेरा।
संसार के नियमानुसार सभी पुत्रियों को अपने माँ बाप से एक दिन अलग को नहीं पड़ता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। किसी का पाप माता जी इस विधेय की अवस्था में मेरे यदि आप कोई अवसर बने सीता का अपनी माँ को चरण छू कर विदा लेना और पिता के पास जाना है। पिताजी तुम्हारी पुजारी सीता करना। अच्छा बेटी जाओ
जाओ, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे। सीता दशरथ कहाँ है? सो गए वो तो करे, सो गए वो वहाँ बैठे हैं कोने में। आज दीदी बुलाओ दशरथ का नाम दे, आ जाओ फोन कर लो। सीता भी नादान है, सीता भी नादान है। इससे कोई अपराध हो जाए, इससे अगर कोई अपराध हो जाए तो इसे क्षमा कर देना, तो इसको क्षमा कर देना और उसे किसी प्रकार मन में मत लाना, और इसको किसी प्रकार अपने मन में मत लाना। विदा करने का प्रबंध किया, विदा हो रहे, आप जाओ, राम लक्ष्मण हैं यहाँ पे, दशरथ जी हैं, चलो पीछे पीछे जाओ, जाओ उधर आओ, ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं, जाओ माता जी। पिताजी चलो फिर जाओ, जाओ ससुर के पीछे। माता जी आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी, आवाज आई चलो ऐसे होगा बेटी, ठीक है आपने एक तो बार पति राघव राजाराम, पति के पावन सीताराम, पति राघव राजाराम, सीताराम रघुपति राघव राजाराम, पति के पावन सीताराम।
पुत्र हनुमान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।